ट्राइटन तेलंगाना में 2100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एलोन मस्क के नेतृत्व वाली टेस्ला की एक प्रमुख प्रतिद्वंद्वी यूएस आधारित इलेक्ट्रिक वाहन ईवी दिग्गज ट्राइटन ने राज्य के संगारेड्डी जिले में एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू में प्रवेश किया है। कंपनी 2100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन NIMZ जहीराबाद में इकाई स्थापित करेगी। आईटी और उद्योग मंत्री के तारकर्मा राव की उपस्थिति में उद्योग और वाणिज्य विभाग तेलंगाना सरकार और ट्राइटन इलेक्ट्रिक वाहन प्राइवेट लिमिटेड ने NIMZ में निर्माण इकाई की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU में प्रवेश किया। प्रमुख सचिव जयेश रंजन और ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड के CEO और संस्थापक श्री हिमांशु बी पटेल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 2100 करोड़ रुपए के निवेश से ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड तेलंगाना में एक अल्ट्रा मॉडर्न इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इकाई स्थापित करेगी। यह परियोजना 25,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देगी और पहले 5 वर्षों में 50,000 वाहनों का उत्पादन करेगी, जिनमें सेमी ट्रक्स, सेडान, लग्जरी SUV और रिक्शा शामिल है। तेलंगाना सरकार NIMZ जहीराबाद में TSIIC के माध्यम से फर्म को आवश्यक भूमि प्रदान करेगी। मंत्री KTR ने तेलंगाना में निवेश के लिए आगे आने के लिए ट्राइटन के प्रमुखों को धन्यवाद दिया। तेलंगाना तेजी से इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण क्षेत्र के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में बदल रहा है, मंत्री KTR ने कहा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार ट्राइटन को उनकी सुविधा स्थापित करने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्थन देगी। मंत्री KTR ने TSIIC दिशा निर्देशों के तहत एक मेगा प्रोजेक्ट के लिए लागू कई प्रोत्साहन प्रदान करने का आश्वासन दिया। ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड के CEO और संस्थापक श्री हिमांशु बी पटेल ने मंत्री KTR को सूचित किया कि उनकी कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तेजी से विस्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने देश भर के विभिन्न राज्यों में निवेश के अवसरों की तलाश की है और अंत में अपनी अनुकूल औद्योगिक नीतियों को देखते हुए तेलंगाना में कदम रखने का फैसला किया है। ट्राइटन EV न्यूजर्सी US में स्थित है और ट्राइटन सोलर की सहायक कंपनी है। ट्राइटन EV की प्रतिद्वंद्वी टेस्ला भी इस साल भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार है, जिसने बेंगलुरु में R&D इकाइयां स्थापित करने की योजना बनाया है।